नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी इतना प्यारा था। 90 के दशक की बात करते ही बचपन की कुछ सुनहरी यादें जहन में ताजा होने लगती हैं। तो आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं 90 के दशक की उन सुनहरी यादों में, भूले बिसरे लोग का आज का ये एपिसोड महाभारत सीरीज से। महाभारत धारावाहिक पर हमारे पिछले वीडियोस पर आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है और आज के इस एपिसोड में हम आपको महाभारत के उन कलाकारों की जानकारी देंगे जो भी इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं गोगा कपूर, एक ऐसा नाम जिन्होंने 80 और 90 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी खलनायकी से दहशत फैलाई। हिंदी सिनेमा में नायक ही नहीं खलनायकों की भी विशेष भूमिका होती है। इस क्षेत्र में कार्य करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि एक खलनायक न सिर्फ फिल्म में घृणित माना जाता है बल्कि पर्दे से परे जब वो अपनी असल जिंदगी में जीता है तब भी लोग उसे उसके किरदार में ही देखते हैं। यही कारण है कि खलनायकों के किरदारों को भी फिल्मों में समान रूप से अहमियत दी जाती है। हिंदी सिनेमा के खलनायकों में एक नाम गोगा कपूर का भी आता है। आपको बता दें कि इन्होंने महाभारत धारावाहिक में कंस की भूमिका निभाई थी। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं ये आकाशवाणी सुन चुका हूँ मथुरा नरेश। तू भी झूठा है ऋषि और तेरी आकाशवाणी भी। फिल्मों में अपने दमदार विलन के रोल की बदौलत वेटरन एक्टर गोगा कपूर ने लोगों को अपनी अदायगी का मुरीद बना लिया था। दूध का कर्ज, अग्निपथ, शहंशाह, कयामत से कयामत तक और तूफान जैसी फिल्मों में इनके बेहतरीन अभिनय का नमूना देखने को मिल सकता है। गोगा कपूर का असली नाम रविंद्र कपूर था। 15 दिसंबर 1940 को पाकिस्तान के गुंजरवाला में जन्मे गोगा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज से की थी। इन्होंने साल 1971 में फिल्म ज्वाला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरू में क्षेत्रीय फिल्में करने के बाद इन्हें मुख्य धारा की फिल्मों में काम मिला। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 20 से ज्यादा फिल्में की हैं। फिल्मों में अपने चेहरे पर क्रूर रूप लाने वाले गोगा कपूर असल जिंदगी में एक बेहद अच्छे इंसान थे। निगेटिव किरदार निभाने के बाद भी उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्मों में अधिक सफलता तो नहीं मिली पर उन्हें काम हमेशा मिलता रहा। उनकी आखिरी फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। लंबी बीमारी के चलते 3 मार्च 2011 को उनका निधन हो गया था। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं वीरेंद्र राजदान, जिन्होंने महाभारत में विदुर की भूमिका निभाई थी। वीरेंद्र राजदान को सबसे ज्यादा 1982 की फिल्म गांधी के लिए याद किया जाता है। वीरेंद्र राजदान ने NSD दिल्ली से अभिनय की ट्रेनिंग ली, उसके बाद स्टेज पर काम करने लगे। फिल्मों के नाम पर इनके खाते में जंजीर, वास्ता, यार मेरी जिंदगी जैसी कुछ गिनी चुनी फिल्में हैं। महाभारत धारावाहिक में इनका कोई बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था। 13 जून 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं धर्मेश तिवारी, जिन्होंने महाभारत में कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य की भूमिका निभाई थी। 27 अप्रैल 1951 को चंडीगढ़ में जन्मे धर्मेश तिवारी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 की फिल्म लव मैरिज से की थी। इसके बाद रामानंद सागर के धारावाहिक विक्रम और बेताल से इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्हें आप लोगों ने बहुत सी छोटी मोटी भूमिकाओं में देखा होगा। 2013 की डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रधानमंत्री में इन्होंने जसवंत सिंह की भूमिका निभाई थी। 6 अगस्त 2014 को इनका निधन हो गया था। और हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजेश विवेक, जिन्होंने महाभारत में वेद व्यास की भूमिका निभाई थी। राजेश विवेक पर इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने उनके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में ज्यादा कुछ बताकर हम इस वीडियो की समय सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। 31 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्मे राजेश विवेक ने NSD दिल्ली से अभिनय की ट्रेनिंग ली थी और शशि कपूर की फिल्म जुनून से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 14 जनवरी 2016 को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके फिल्मी सफर में इनके निजी जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए ये सब जानने के लिए आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।